ठीक है, हो जाने के बाद पेमेंट करेंगे ना। हाँ ठीक है ठीक है। 1000? हाँ है हाँ एक घंटे का फुल बॉडी मसाज होगी इसमें। हाँ मैं आपको आधे घंटे करोगे? हाँ दूसरे बैठा दो। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। अभी बज चुके हैं 11 और अभी हम लेक साइड पे हैं और फिलहाल आज मतलब नेगा अब नेपाल आए हैं तो मसाज तो लेना बनता ही है, तो थोड़ा सा मसाज लेने के उसमें हमें देखते हैं कहीं अच्छा वाला मसाज मिल जाता है और अच्छे प्राइस में, तो पूरा आपको दिखाते हैं मसाज का मजे। ये लेक साइड है पोखरा 6 और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ आपको मसाज मिल सकता है, पूरा एंजॉयमेंट होगा आपका, पूरा मज़ा आएगा। चलो मैं एक एक करके आपको मसाज की दुकानें जो यहाँ की शॉप हैं वो आपको दिखाता हूँ और फिर एक अच्छे से मसाज सेंटर में चलते हैं, मसाज लेते हैं और मसाज के साथ कुछ थोड़ा बहुत और भी लेते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, कहीं भी मत जाइए क्योंकि मेरे पास अभी 12 बजे तक का समय है, तो हम मसाज वसाज लेके निकलते हैं फिर यहाँ से कोई अच्छा सा मसाज सेंटर देखते हैं जहाँ पर हमको बढ़िया वाला मसाज मिल जाए। तो बहुत सारी यहाँ पर मसाज की दुकानें हैं जैसे इस तरफ भी हैं, और अभी देखते रहिए आपको दिखाते हैं। जैसे ये सिटी स्पा मसाज, तो यहाँ मसाज आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर जाओ अगर जाना है तो। और यहाँ पर सारी आपको शॉप वगैरह मिल जाएंगी स्पोर्ट का सामान, जैसे एक ये मसाज का है, इसका चार्जेस देखते हैं क्या है मसाज का। ये तो मेनू है मसाज वाला, ऊपर होगा शायद। तो ये कुछ मसाज पार्लर है यहाँ पर, ये वाला थोड़ा सा और आगे देखते हैं। थाई मसाज भी आपको यहाँ मिल जाएगा जो कि लिखा हुआ है, तो फिलहाल हम थाई मसाज नहीं लेंगे, हम लेंगे नेपाली मसाज, समझ रहे हो। तो एक अच्छी सी शॉप ढूंढते हैं, ये सबसे फेमस एरिया है यहाँ का पोखरा का, यहाँ पर महफिल सस्ती हैं रात को 11 बजे के बाद, बढ़िया आपको बहुत सारे क्लब और पब मिल जाएंगे जो कि यहाँ चारों तरफ हैं। ये यहाँ की मार्केट है इस साइड में, यहाँ पर कपड़े वगैरह के और मसाज सेंटर और सब रेस्टोरेंट वगैरह हैं दोनों साइड में, लेक की तरफ भी है और रोड की तरफ भी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं एक बढ़िया से मसाज की तरफ जहाँ पर पूरा आप मसाज लेंगे हम। अब क्लियर, मैंने कहा पहले मैं देख लेता हूँ इसके बाद फिर अच्छी जगह पर, पहले घूमना है। किसी भी जगह जाइए आप, पहले उस जगह को अच्छे से घूमिए, देखिए क्या कैसा है, खाना पीना कैसा है, रहने का क्या सिस्टम है, और बाइक रेंट है, साइकिल भी यहाँ मिल जाती है, और हो सकता है तो मैं वो भी दिखा दूँगा आपको। साइकिल भी रेंट पे मिलती है यहाँ पर, और बाइक भी मिल जाती है, स्कूटी भी मिल जाती रेंट पर, ये जैसे खड़ी हुई है ये सब रेंट वाली हैं इस तरफ, तो पूरा आपको मिल जाएगा। और देखिए जैसे ये मसाज सेंटर है ये वाला, तो इसका रेट तो अंदर ही जाके पता चलेगा। अभी थोड़ा सा वैसा हो ना, ये एरिया कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है, काफ़ी महंगा है, तो इधर मसाज लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा मेरे को, हमें थोड़ा सा चीपेस्ट चाहिए और जहाँ पूरा हम आपको दिखा सकें मसाज, ठीक है। तो बहुत सारी दुकानें तो मेरे को दिख रही हैं मसाज सेंटर, लेकिन वैसा वाला मसाज किधर मिलेगा जहाँ सस्ता पड़े अपने को, यहाँ महंगा है, ठीक है, गलत मत लीजिएगा भाई, हैं हम तो सिर्फ मसाज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। थाईलैंड में मैंने नहीं लिया था, तो शायद मेरी मिस्टेक हो गई मेरे से,
लेकिन यहाँ तो मैं लेकर जाऊंगा मसाज, ठीक है, करेंसी और पैसे वगैरह चेंज कराने के लिए। बहुत सारी यहाँ पे शॉप हैं जहाँ से आप पैसे, कहीं पर चार्जेस लेते हैं और कहीं पर नहीं लेते हैं। एटीएम वगैरह भी बहुत हैं जहाँ से आप एटीएम से डायरेक्ट विड्रॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, आप बहुत सारे एटीएम हैं, किसी भी एटीएम से आप अपनी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर का ये मार्केट का नज़ारा, इस गली में मैं गया था अभी, तो यहाँ पर एक बुला रहा था तो मैंने कहा आते हैं अभी। तो ये है हिमालय मसाज, और जैसे ये एटीएम लगा हुआ है, यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से, और ये मनी एक्सचेंज है, यहाँ पर पैसे अब जो भी हो। एक एटीएम, ये बहुत सारे यहाँ एटीएम लगे हुए हैं जहाँ पैसे निकाल सकते हैं आराम से। तो भाई एटीएम से पैसे निकालने में थोड़ा सा कम चार्जेस कटता है, और अगर आप एक्सचेंज कराते हैं, कल मैंने अगर बात करें तो मैंने इंडियन जो करेंसी चेंज कराने के लिए से पूछा था, तो वो मेरे से 1000 के 1500 दे रहा था, जो कि 1595 होते हैं, 95, लेकिन वो पैसे ज़्यादा ले रहा था तो मैंने भी मना कर दिया। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना पैसा किसी भी दुकान पर अपना दे सकते हो, और कोई वो नहीं, आप चेंज कराओ तो ठीक है, नहीं चलाओ तो यहाँ नेपाल में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। मैंने कल खाना खाया इंडियन रुपीस दे के, वैसा कुछ नहीं, नेपाल में सब चलता है, अपना भाई बंधु है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर चेंज करा लो तो ठीक रहता है, और वो तो आपके ऊपर वो होता है कि आप ये पैसे चेंज करा लें या नहीं कराते हैं। ये देखिए स्टोन की शॉप है, तो ये काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ की खोपरा की। ये मसाज सेंटर है, और उस तरफ सामने वाले चौराहा पार करके मुझे चलना पड़ेगा जहाँ पर मुझे बॉडी मसाज, हाँ बॉडी मसाज देख रहे हो, बॉडी मसाज के लिए बुला रहे हैं ये, और मुझे वो करना पड़ेगा। जैसे ये लेक स्पा है मसाज, तो बहुत सारे मसाज सेंटर हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको हर जगह सब मिल जाएगा। कैफ़े वगैरह भी बहुत सारे हैं, ये शायद हॉस्ट मसाज सेंटर मिला है, चलो इसमें देखते हैं क्या रेट है, कैसा क्या है, इसमें चलते हैं फिलहाल। ये वाला मैं देख के गया था यहाँ पर, उनके रेट बड़े दिख ही नहीं रहे, 60 मिनट क्या है, आयुर्वेदिक मसाज, एक मसाज सेंटर, एक ये है गली, औषधि सैलून ज़्यादा है यार, मसाज अगर इस तरह मिल जाता है तो, इस तरफ नहीं यार, वही वाला है, चलो उसी में चलते हैं। आइए फिलहाल देखते हैं कितना क्या है और चार्जेस कितने हैं इनके मसाज के। रॉयल बार, ये तो बंद है, वो रखा अभी बार जो है वो बंद हो रखा है, ये यही है पोखरा मसाज सेंटर, यही है। मेनू दिखाइए, नमस्ते, ये कुछ है मसाज सेंटर, मेनू दिखाइए मसाज का, नमस्कार,
स्क्रब। और भी है। अच्छा, इस तरफ पार्लर आइटम। अच्छा, ये पार्लर का है स्क्रब वगैरह। फुल बॉडी मसाज करना है क्या आपको? फुल बॉडी मसाज? फुल बॉडी मसाज है, ये बॉडी पार्ट का मसाज है। अच्छा, ये पार्ट का है आपका? हाँ। ये जैसे आप आयुर्वेदिक नॉर्मल मसाज है, ये आयुर्वेदिक होगा। आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो किसी मसाज को कर सकते हैं। चार हजार नेपाली है। जैसे इसका वन लिखा हुआ है, वन आवर। टाइम भी तो हो गया है, कितना टाइम कर लीजिए ना। आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा ना आपके लिए। 30% डिस्काउंट है। 30%? हाँ। किसका बता रहे हैं? वन आवर्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, नॉर्मल मसाज जो कर रहा हूँ मैं। आप आयुर्वेदिक एक घंटा के 2200 2000 में आप कर सकते। अच्छा, एक घंटा का फुल बॉडी मसाज है इसमें? हाँ, फुल बॉडी मसाज सब में आपके वही डिस्काउंट है। अच्छा, वही है। हाँ, ये 2200? हाँ, 2000 में कर सकते हैं। 2000? हाँ। कहाँ पर है वो? रूम ऊपर है। अच्छा, ऊपर है। हाँ। अच्छा, मसाज अच्छा है, सब लोग प्रोफेशनल है। हाँ, रूम भी अच्छा है, देख सकते हैं आप। दिखाएंगे एक मिनट, रूम दिखा दो तो भाई, देखते हैं रूम वगैरह कहाँ पे है। ऊपर जी। अच्छा, सेम ही है सारे है। इसका कितना बता रहे हैं आप? 2000? वन आवर का? हाँ, वन आवर का। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं ना ज़्यादा, मेरे को 12 बजे रूम बुक करना है। अभी तो टाइम है ना, तो आधे घंटे बचे मेरे पास। 12 बजे कहाँ जाना है आपको? मेरा होटल में चेकआउट करना है। किधर है? यहीं पे आधा किलोमीटर दूर। डिस्काउंट साँझ 9 बजने तक पीछे नहीं होगा। हाँ, 9 बजने के पीछे वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आगे आना पड़ेगा। 10 to 10 आवर इस प्राइस ओपन है। 10 to 10 तो 30 मिनट करा दो आप। 30 मिनट में फुल बॉडी मसाज किया आपको? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं ना एक्चुअली, क्योंकि मेरा 12 बजे मेरे को रूम 12 बजे नहीं पूर्ण करेगा। ठीक 12 बजे पूर्ण करेगा आपको। 12:30 में नहीं हुआ? नहीं नहीं, 12:30 क्यों, क्योंकि हमारा तो रूम मेरे को वो करना है। आपको 30 मिनट में तो आपको जहाँ पर पेन हो रहा है ना उधर उधर ही करना मिलेगा सब फुल बॉडी। तो 30 मिनट में क्या करना है?
नहीं तो जैसे होता है फुल मॉडी, आप एक घंटा वैसे लगाते हैं, 30 मिनट में वो कर दो। ठीक है, काट लीजिए। हैं? ठीक है, ठीक है, हो जाने के बाद पेमेंट करेंगे ना। हाँ ठीक है, ठीक है, 1000। हाँ हैं? हाँ भाई, दो एक घंटे का आप उतना ले रहे हैं, 2000। हाँ, आधे घंटे का 1000। हाँ, नेपाली ना? हाँ नेपाली। ठीक है, आप भेज, रूम में बैठिए। ठीक है, भेजिए। तो भाई ये रूम है, और फिर मसाज लेते हैं थोड़ा हम। ठीक है, फोन करेगा।